बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही फुलके की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर अब मैं डालूँगी फुलकी, जिसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर लिया था और अच्छे से निचोड़ के फिर मैंने इसको इसमें डाला। और यहाँ मैंने 4 आलू लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया, और यहाँ मैंने हाफ बंद गोभी को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, अब डालेंगे इसमें। उसके बाद मैंने 2 स्मॉल साइज़ के ले लिए थे प्याज, इनको डाला। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो फुलकी है ये आपको इजीली किसी भी दुकान से मिल जाएगी, किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसको घर में भी ख़ुद बना सकते हैं बेसन की मदद से, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ ले ली थी 1/2 kg से ज़्यादा दही थी मेरी, वो मैंने इसमें डाल दी सारी। ये दही जो मैंने बचाई है ये भी मैंने बाद में इसमें ऐड कर ली थी। इसके बाद आपने 4 टेबलस्पून सब्ज़ चटनी डालनी है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बस आपने इसमें अनारदाना नहीं डालना, बाकी सारी चीज़ें डालनी है, क्योंकि ये दही बड़ों में जा रही है तो वो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है नमक का। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ नेशनल का चटपटा चाट मसाला ले लिया, अब वो मैं डाल दूँगी 1/2 पैकेट। और अगर आपको और चाट मसाला की ज़रूरत हो तो वो आप बाद में भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो हमारे मज़ेदार से दही फुलकी हो गई है तैयार। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी मेरी दही फुलकी की रेसिपी। और अब हम इसको ट्राई करेंगे आलू बुखारे और इमली की चटनी के साथ। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद जी हम इसको डालेंगे अब प्लेट में। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड हों उसे बनने वाली। तो चलिए जी अब इसके ऊपर डाल देते हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। तो ये चटनी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बाज़ार की है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ इमली आलू बुखारे की होममेड चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें मीठी चटनी इसलिए ऐड नहीं की सारे में क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, किसी को पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती, तो आपकी मर्ज़ी, आप बाद में इसमें डाल लें। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।